हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वेटू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखेंगे एचटीएमएल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कि एचटीएमएल में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, कुछ भी आप बना रहे हो तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए देखते हैं एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। Formatting text is very essential for website. One of its use is to help readers know the important parts of website content easily. मतलब इसका यूज करके कोई भी जो पार्ट है या फिर कोई भी आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो वेबसाइट में, मतलब राइट ले जाना है, इसे बोल्ड करना है, इसे इटालिक रखना है, इसे टेबल फॉर्मेट में लाना है, तो ये जो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये छोटे छोटे जो चीजें होती हैं, यू तो आपको लगे कि ये बहुत ही छोटा छोटा एलिमेंट है, बट ये बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो चलिए हम एक ही करके उनके बारे में देखते हैं। ऑल ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड बिलो आर इनलाइन एलिमेंट। ये सारे इनलाइन एलिमेंट है जो कि टैग के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, मतलब आपने लिया ड्यू टैग के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर कोई पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं बी टैग। बी टैग मीन्स बोल्ड करने के लिए यूज होता है। तो कोई भी टैग्स होता है तो उसे हमें बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज करते हैं। हर बार हम बी टैग ले रहे हैं, ठीक है, अब उसमें हम H1 टैग नहीं ले सकते। H1 टैग क्या है, इनबिल्ट वो बोल्ड कर देता है और साइज बड़ी कर देती है। ठीक है, तो हम H1 टैग नहीं ले सकते हर बार, हमें कभी कभी पैराग्राफ भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का भी यूज कर सकते हैं या फिर इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हैं। इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे या फिर एक्सटर्नल यूज करते हैं, इंटरनल यूज करते हैं, तो कोड की जो लेंथ है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम HTML में हम ज्यादा से ज्यादा HTML का यूज कर सके, इसलिए हमें ये छोटे छोटे जो एलिमेंट है उनका यूज करना पड़ता है। तो ये बी टैग है जो कि सारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, बोल्ड अ टेक्स्ट। देन सेकंड है आई। आई टैग मीन्स इटैलिक और टेक्स्ट, मतलब ये इटैलिक करता है। ठीक है, कोई भी आप लिख रहे हो, अगर आपको इसको इटैलिक करना है टेक्स्ट को, तो आप उस आई टैग से इटैलिक कर सकते हो। देन आता है यू टैग। तो कोई भी आप H1 टैग ले रहे हो तो उसमें आपको अब U टैग चाहिए, मतलब कि अंडरलाइन नीचे चाहिए, तो आप बड़े बड़े सीएसएस लिखने थोड़ी ना बैठोगे। अगर आपको आता है HTML प्रॉपरली तो आप U टैग का सिंपली यूज कर सकते हो ताकि वो सारे के सारे में इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, देन आता है कोड। तो वो डिफाइन करता है टेक्स्ट का, कोड डिफाइन करता है। ठीक है, देन आता है TT, टाइप राइटर टेक्स्ट। वो जो भी टाइप राइटर होता है, मतलब लिखा हुआ होता है, उसको डार्क करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, तो ये सब चीजों का यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्मॉल टैग। तो स्मॉल टैग का यूज होता है कि छोटा साइज एकदम कर देगा, ये जो स्मॉल टैग है वो एकदम ही स्मॉल कर देगा, सारे जितने भी टेक्स्ट होंगे उन सब से ये स्मॉल कर देगा। छोटे छोटे अक्षरों में जो लिखा नहीं आता कभी कभी, देखिए आप उसमें लिखा होता है इनकरेक्ट पासवर्ड, तो वो एकदम ही छोटे साइज में होता है, इसलिए हम स्मॉल टैग का यूज करते हैं। और टीटी का यूज मैंने आपको बताया, देखो वो एकदम से टाइप राइटर एकदम पतली सी लाइन, पतली सी लिखा हुआ आता है, जो भी लिखना है वो एकदम ही पतला सा लिखा हुआ आता है। देन आता है EM, इम्फोसिस टैग। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो वो इटैलिक ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, वो ब्राउजर पे डिपेंड होता है, जो भी ब्राउजर, अगर क्रोम लो, फायरफॉक्स हो, तो जैसा वो EM का टैग होता है, इम्फोसिस टैग, वो इटैलिक हो जाता है। ठीक है, देन आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, इम्फोसिस अ टेक्स्ट मे बी बोल्डन डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर, मतलब कोई भी ब्राउजर में ओपन करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो भी बोल्ड का ही काम करता है। ठीक है, बोल्ड होने का मतलब डार्क कलर करने का। देन आता है मार्क। तो मार्क और टेक्स्ट लाइक हाइलाइटिंग पेन। तो कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिखा है तो उस पर हाईलाइट करने के लिए, मतलब उसको ऑटोमेटिक ही बैकग्राउंड कलर जैसे थोड़ा थोड़ा वो कर देगा और उसे हाईलाइट भी कर देगा। देन आता है क्यू टैग। तो एनक्यूट्स और टैग्स।
तो ये क्या करता है, डबल कोट में कोड को लिखता है, ठीक है। हमें कोई अलग से कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं, हम खाली क्यू टैग ला देंगे तो वो जो पैराग्राफ होगा वो डबल कोट में हो जाएगा। देन आता है एस टैग, तो एस टैग का यूज क्या है, स्ट्राइक, स्ट्राइक का थ्रो, मतलब आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है उस पे एक लाइन करने के लिए, इसके बीच में लाइन करने के लिए हम स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, जो भी अंडर एलिमेंट है ये, उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। अलग अलग एग्जांपल हम लेंगे, इससे भी ज्यादा ज्यादा अभी हम एलिमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में, ये बोल्ड मैंने लिया है। एग्जांपल स्टार्ट होता है एचटीएमएल स्ट्रक्चर, पहले आपको लिखना है एचटीएमएल स्ट्रक्चर, के बाद बॉडी टैग के अंदर आपको ये सारे के सारे एलिमेंट अप्लाई करने हैं। देन ये बोल्ड टैग है, तो बोल्ड टैग मैंने बी टैग के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये इटैलिक टैग है, तो आई टैग, तो जो हम जब हम इसे ब्राउजर पर रन करेंगे तब इसका जो रिजल्ट है वो हमें अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इम्फेसिस टैग, स्मॉल टैग, बी टैग, बी टैग। अब मिक्स फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में है देखिए मिक्स फॉर्मेटेड, तब आपको क्या करना है उसमें सारे जो मिक्स करने हैं, मतलब तो मुझे उसे हाईलाइट भी करना है, बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, उस पे हम मार्क भी करना है और डबल कोट में वो लिखना है। तो हम एक से ज्यादा एलिमेंट का यूज कर सकते हैं एक पैराग्राफ में, डिपेंड होता है कि हमें क्लाइंट ने कैसा कहा है, हमें क्या यूज करना है, वो हम देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करके। ओके, चलिए चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। गए हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और हम इस वही मैंने कोड लिखा है जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सिंपल सा मुझे इसको सेव करना है, सेव करने के बाद हम ब्राउजर पे देखेंगे कि ये कैसा शो हो रहा है, ठीक है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं ब्राउजर पे रन कर रही हूँ। अब के यहाँ पे दिख रहा है वो आप देखिए, यहाँ पे मैंने बोल्ड टैग का यूज किया है तो वो बोल्ड आ गया है, ठीक है। इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाए तो अच्छा होगा। मैंने बैकग्राउंड में ही यूज किया है क्योंकि मुझे इसकी साइज बड़ी करनी है और आपको अच्छी तरह से दिखे, इसलिए मैंने इसका यूज किया है। तो बेसिकली मुझे थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा ही बड़ा हो गया है। अच्छा, ये हम देखे अच्छी तरह से, यहाँ पे मैंने पहले बोल्ड टैग यूज किया है तो यहाँ पे ये बोल्ड टैग आपको दिख रहा है। देन मैंने यूज किया है इटालिक टैग का तो वो भी आपको दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा इटालिक हो जाता है। देन आता है अंडरलाइन, तो कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए हमें ये अंडरलाइन का यूज करना होता है। देन आता है ये कोड टैग्स, मतलब ये जो था हमारा कोड टैग, तो कोड टैग के हम अंदर हम जो लिखेंगे तो जैसे हम कोडिंग करते हैं उस टाइप से ये आ जाएगा। देन आता है ये टाइप राइटर, तो दोनों भाग सेम ही दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे, बट खाली थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जैसे हम लैपटॉप में टाइपिंग करते हैं बेसिकली वैसा ही ये आएगा। देन आता है स्मॉल टेक, तो स्मॉल टेक सबसे छोटा हो जाएगा और वो डार्क भी रहता है, ठीक है। आई, और ये है इम्फेसिस टेक, मतलब ईएम टेक, तो ये क्या करता है, थोड़ा इटैलिक कर देगा और उसे बोल्ड भी कर देता है। देन आता है स्ट्रॉन्ग टेक, तो स्ट्रॉन्ग टेक बोल्ड कर देगा और थोड़ा सा साइज उसकी बड़ी हो जाती है। मार्क टेक का यूज क्या है, हाईलाइट करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया था हाईलाइट करने के लिए, तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है उससे उसने हाईलाइट कर दिया है। देन आता है क्यू टैग, तो क्यू टैग का यूज क्या है, डबल कोट में लिखना, तो उसने भी वो कर दिया। स्ट्राइक टैग का यूज होता है, हम कभी कभी अपने इंस्टाग्राम पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, अच्छे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दिखने के लिए या फिर सबसे यूनिक दिखने के लिए हम उस पर स्ट्राइक लगा देते हैं, तो इस तरीके से हम एचटीएमएल से भी कर सकते हैं, ये यही यूज होता है। सिंपल सा एक एस टैग एलिमेंट है वो यूज कर देना है तो आपका ये स्ट्राइक टैग्स हो जाएगा। देन यहाँ पे मैंने मल्टीपल मिक्स फॉर्मेट किया है, सारे के सारे फॉर्मेट का यूज किया है, मतलब मुझे क्यू टैग भी यूज करना है, इटैलिक टैग भी यूज करना है, यू टैग भी यूज करना है, बोल्ड टैग भी यूज करना है और इम्फेसिस टैग भी यूज करना है,
मार्क विथ टैग यूज करना है। तो सारे टैग मिक्स करके मैंने ये बनाया है लास्ट वाला, ठीक है। तो इसमें सारे कोड का यूज हो सकता है, अगर आप एक ही टैग में सारे कोड का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक ये इतना ही था, देखिए इस टाइप का है ये। अगर एग्जाम में कभी आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, तो आपको जितना भी टैग एलिमेंट याद हो वो आप उसमें लिख देना, और आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, इसमें कोई मार्क्स कट होने वाला नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हो। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।